अरे बच्चों देखते हैं एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर थर्ड। और थर्ड क्वेश्चन में कहा गया है हमें कि द फिफ्थ एट्थ एंड इलेवेंथ टर्म ऑफ जीपीआर पी क्यू एंड एस। पहले बच्चों जो भी आपको गिवन है वो लिखते रहेगा, तो हमारे पास गिवन है फिफ्थ टर्म, एट्थ टर्म और इलेवेंथ टर्म ऑफ द जीपीआर, ये गिवन है हमारे पास पी क्यू और एस। शो दैट क्यू स्क्वायर दैट इज इक्वल टू पी एस, तो ये हमें शो करना है। पहले कुछ देखते हैं किस तरह से करेंगे। अब आपके पास क्या है, फिफ्थ टर्म गिवन है कितनी p, तो फिफ्थ टर्म के लिए फॉर्मूला क्या होगा a r रेज टू पावर 4 दैट इज p। यहां पे इसको इक्वेशन वन मान लेते हैं। एट टर्म क्या हुआ है, तो ये हमारे पास फिफ्थ टर्म होगी ना a 5, a 8 हमारे पास क्या फॉर्मूला होगा a r रेज टू पावर 7, ये है हमारे पास क्यों, इसको 2 मान लिया। और a 11 फॉर्मूला क्या बनेगा ए आर एस टू पर 10, इसको एस मान लिया। ये था प्यारे बच्चों हमने क्या किया, फर्स्ट के डिवाइड में सेकंड किया, तो ए आर एस टू पर 4 डिवाइड बाय ए आर एस टू पर 7, तो क्या बनेगा पी डिवाइड बाय क्यों, देखो ए कैंसिल और आर एस टू पर 4 कैंसिल, तो हमारे पास आ गया 1 डिवाइड बाय आर क्यूब दैट इज इक्वल टू पी डिवाइड बाई क्यू। यहां से इसको इक्वेशन 4 मान लिया। सिमिलरली अब की बार क्या किया, सेकंड के डिवाइड में थर्ड किया, यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा ए आर एस टू पर 7 डिवाइड बाई ए आर एस टू पर 10 दैट इज क्यू डिवाइड बाई एस। यहां पे भी देखो ए कैंसिल हो जाएगा और ए कैंसिल हो जाएगा ना, यहां पे भी कैंसिल, अब आर एस टू पर 7 आर एस टू पर 10, तो आर एस टू पर 7 कैंसिल, तो 1 डिवाइड बाय आर क्यू, ये हमारे पास क्यू डिवाइड बाय एस आ जाएगा, इसको 5 मान लिया, इक्वेशन नंबर 5 मान लिया हमने। अब आप देखो 1 डिवाइड बाय आर क्यू, 1 डिवाइड बाय आर क्यू, तो हम लिख देंगे कि इक्वेशन 4 एंड 5, तो इक्वेशन 4 और 5 को इक्वेट कर देते हैं, ये दोनों इक्वल है तो ये दोनों भी आपस में इक्वल होगी, यानी कि p डिवाइड बाय q किसके इक्वल होगा, q डिवाइड बाय s के। अब हम क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये q स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा ps, हेंस प्रूव। तो ये हमारे पास प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर थर्ड कंप्लीट हो जाता है। तो बस आपको जो गिवन है उसको यूज करना है और एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। पहले बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, और क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है कि द फोर्थ टर्म ऑफ जीपी, फोर्थ टर्म ऑफ जीपी इज स्क्वायर ऑफ इट्स सेकंड टर्म। प्यारे बच्चों जो चीज गिवन है उसको साथ में लिख लिया कि फोर्थ टर्म ऑफ जीपी इज मतलब इज इक्वल टू क्या है, स्केयर ऑफ, स्केयर है किसका, सेकंड टर्म का, और सेकंड टर्म क्या होती है ए टू, ये हमारे पास गिवन है। एंड द फर्स्ट टर्म इज -3 एंड ए इज इक्वल टू -3, ये भी हमारे पास गिवन है। Determine its seventh term, तो हमें इसकी सेवंथ टर्म कैलकुलेट करने हैं। तो कह रहे बच्चों सेवंथ टर्म क्या होगी फॉर्मूले के हिसाब से, ए आर एस टू पावर 6, अब a की वैल्यू तो है हमारे पास कितनी -3, r की वैल्यू निकालनी है, r की वैल्यू निकालने के लिए कंडीशन दे रखी है आपको। अब आप देखिए हमारे पास फोर्थ टर्म फॉर्मूला क्या होता है ए आर क्यू, और सेकंड टर्म का फॉर्मूला ए आर, पावर देखो 2 है तो 1 होगी पावर, यानी कि ए आर ही होगा इसका स्क्वायर, तो ए आर क्यूब
दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर आर स्क्वायर। यहां से ए आर क्यूब और ये हमारे पास ए स्क्वायर आर स्क्वायर, हमने ए से डिवाइड कर दिया और आर स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, तो हमारा ए कैंसिल, एक तो आर स्क्वायर कैंसिल, तो यहां पे सिर्फ आर रह गया, यहां से एक ए कैंसिल हो गया तो एक ए रह गया और आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो आर की वैल्यू ए के इक्वल आ गई और ए हमारे पास माइनस थ्री है, तो आर की वैल्यू भी कितनी आ गई, माइनस थ्री आ गई, और यहां पर रख देते हैं माइनस थ्री रेस टू पावर सिक्स, ए सेवन दैट इज माइनस थ्री रेस टू पावर सेवन हो जाएंगे हमारे पास। अब ए सेवन, अब हमारे पास देखिए माइनस है और पावर सेवन है, ओड पावर है तो माइनस तो आंसर में आएगा, अब थ्री की सेवन टाइम करनी है, थ्री से नाइन बनता है, नाइन से ट्वेंटी सेवन, ट्वेंटी सेवन से एट्टी वन, ये टू फोर्टी थ्री और ये सेवन टू नाइन और यहां से एट्टी सेवन ट्वेंटी वन, यानी कि टू वन एट सेवन, तो प्यारे बच्चों ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि क्या चीज गिवन है, जो चीज गिवन है उसको लेके चलेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर फोर कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू वेरी मच।